आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञान अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन है। हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है विषय प्रवेश, दूसरा विकल्प है उपसंहार, तीसरा विकल्प है पाठ्य पुस्तक और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ज्ञान अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन पाठ्य पुस्तक है। क्या है? पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक क्या होता है? तो पढ़ाई की पुस्तक को हम क्या कहते हैं? पाठ्य पुस्तक कहते हैं। क्या होगा? पढ़ाई की पुस्तक को हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। यदि विकल्प में देखें तो हमारा पहला विकल्प है विषय प्रवेश। तो विषय प्रवेश क्या होता है? तो जब हम किसी भी पाठ को प्रारंभ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विषय प्रवेश कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मूल्यों का संचय नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा विकल्प पहला नहीं होगा। विकल्प दूसरा है उपसंहार। तो उपसंहार क्या होता है? तो लेख के अंत में दिए जाने वाले सार को हम क्या कहते हैं? उपसंहार कहते हैं। तो यह भी हमारे मूल्यों के संचय का साधन नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प दूसरा भी नहीं होगा। विकल्प तीसरा है पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इन सभी प्रकार के मूल्यों का संचय किया जाता है, इसलिए हमारा विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर होगा। विकल्प चौथा है उपयुक्त सभी। तुम्हारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प तीसरा है वो इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।